हेलो इंजीनियर्स, दिस रोबोटिक्स कांति। तो आज आपके लाए हैं दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर है, इस पर देखिए आप यूज भी देख रहे हैं और लैन कनेक्शन भी देख रहे हैं। तो इस पर इनबिल्ट वाईफाई भी है। तो ये जो छोटा कंप्यूटर है वो हम लोग आज आसानी से घर पे बना सकते हैं। वो किस प्रकार से बनाते हैं आपको दिखाएंगे। तो इसको हम लोग पहले डेमो देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को सिखाएंगे किस प्रकार से इस पर विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पर जो अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर विंडोज 10 इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए देर ना करते हैं, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई ltm.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। जो इसका पैकेजिंग है, तो यहाँ पे देखिए रेस्पबेरी PI3 मॉडल बी। ओके, तो इसके अंदर जो मदरबोर्ड है वो है ये जो आप देख रहे हैं LCD। ठीक है, तो ये एक LCD है, ये रेस्पबेरी के लिए ही है। तो इस सेटिंग है पूरा का पूरा, यहाँ पे देखिए प्लग सिस्टम लगा हुआ है और LCD ये टच स्क्रीन है। ठीक है, ये टच करने के वाला LCD है। तो ये इस पेन से ये टच होगा, आप टच से ये काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल हो सकता है एक्चुअली, तो एक्चुअली में ये इंस्टॉल हो सकते हैं, विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, रेस्पबेरी का अपना जो विंडोज़ है वो कर सकते हैं, और भी कुछ डिफरेंस विंडोज़ है आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम लोग इस पर विंडोज़ 10 करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं इसका रेस्पबेरी का जो सर्किट है वो किस तरह दिखाई देता है। तो इसको खोलेंगे, तो इसके अंदर जो है वो देखिए क्या क्या है। रेस्पबेरी PI3 मॉडल बी है, ये 1GB रैम है इसके अंदर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं रेस्पबेरी का जो मदरबोर्ड है उसके अंदर 1GB रैम ऑलरेडी है, और इनबिल्ट वायरलेस लैन भी है 802.11b/g/n, ये मॉडल वाला वायरलेस इसमें अवेलेबल है, और ब्लूटूथ 4.1 भी है। तो ये मॉडल के अंदर देखते हैं क्या है और इसका एक्चुअली में काम क्या है। तो ये रहा रेस्पबेरी का जो मदरबोर्ड है, तो इसको हम लोग खोलेंगे। तो देखिए इसके अंदर जो आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या है, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे रेस्पबेरी का USB 4 USB है, इसके माध्यम से हम लोग डोंगल, उसके बाद कीबोर्ड, माउस और पेन ड्राइव वगैरह सब कुछ इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक लैन कनेक्शन है जो इंटरनेट के लिए यूज़ होते हैं, या फिर अदर सोर्स जैसे कि मोबाइल, जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं मोबाइल का, उसके लिए भी यूज़ होते हैं। तो इसका ये जो केबल आप देख रहे हैं ये है एक्सटर्नल हार्डवेयर, इस पर आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, प्रिंटर, चाहे LCD हो, चाहे मॉनिटर, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं कनेक्शन करके। और इसका जो मेन प्रोसेसर है ये वाला है, ये बहुत ही हीट हो जाते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग एक हीट सिंक लगा देंगे ताकि हीट कम हो जाए। और इस तरफ हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा HDMI पोर्ट है ये, आप बड़ा वाला मॉनिटर जिसपे HDMI पोर्ट सपोर्ट करता है वहाँ पर आप लगा सकते हैं, लगा के ये मदरबोर्ड से आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये रहा पावर पोर्ट के लिए। ठीक है, ये मिनी जो USB है जो आप लोग मोबाइल वगैरह में लगते हैं वही USB, इसके माध्यम से ये पावर आएगा। और ये है ऑडियो आउटपुट इनपुट। ओके, तो इस पर हम लोग ऑडियो आउटपुट इनपुट करेंगे। और यहाँ पे एक जो केबल लगाने का जैक है जो कि डिस्प्ले लगा सकते हैं हम लोग, डिस्प्ले के लिए। और यहाँ पे एक है जो कि हम लोग कैमरा लगा सकते हैं। ठीक है, इस दोनों के माध्यम से। और उल्टा साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, आप इस पर मेमोरी लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि माइक्रो SD होगा, इस पर लगा के हम लोग ऑपरेटिंग जो है इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम लोग ये जो रेस्पबेरी है इसको हम लोग इस बॉक्स के अंदर फिट कर दिया ताकि देखने में अच्छा लगे। तो इस रेस्पबेरी में हम लोग पहले फर्स्ट हम लोग रेस्पबेरी का जो अपना खुद का सॉफ्टवेयर है वो हम लोग इंस्टॉल करेंगे। वो किस प्रकार से करते हैं वो आप लोग सिखाएंगे, उसके बाद हम लोग इस पर विंडोज 10 इंस्टॉल करेंगे, करके आप लोगों को दिखाएंगे किस प्रकार से हम लोग इस पर विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग रेस्पबेरी का अपना खुद का सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करते हैं और छोटा स्क्रीन पे हम लोग इसको ऑपरेटिंग करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग
ओपन करेंगे, कोई भी एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, करने के बाद रेस्पिरी का जो अपना खुद का वेबसाइट है इस पर जाएंगे, raspberry.org, इस पर जाके सॉफ्टवेयर में जाके डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करेंगे। करने के बाद इसको हम लोग सिर्फ इंस्टॉल कर देंगे। तो ये क्लिक करके हम लोग इंस्टॉल करने के बाद अभी देखिए ये नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया है, तो नेक्स्ट करके सिर्फ इंस्टॉल करना है हम लोगों को। तो अभी फिनिश कर देंगे और ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अभी देखिए ओपन हो गया है। तो हम लोग सबसे पहले इस पर देखिए रेस्पिरी का अपना खुद का जो विंडोज है उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। चूज करके हम लोग डिवाइस सिलेक्ट करेंगे, मतलब मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड सबसे पहले हम लोगों को डालना होगा। तो मेमोरी कार्ड इसमें डाल दिया, अभी चूज करेंगे। तो देखिए मेमोरी कार्ड इसमें आ गया है। तो इसमें क्लिक करके हम लोग राइट पे क्लिक करेंगे। तो इस पर यस कर देंगे। तो इसमें बोल रहा है इस पर हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो राइट करने के बाद ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा। होने के बाद हम लोगों को इसको खोल के डायरेक्ट इस पर फिट कर देना है और कीबोर्ड माउस को लगा के HDMI पोर्ट को लगा के उसके बाद हम लोग को पावर देना होगा। देने के बाद इस पर हम लोग डिस्प्ले लगाएंगे। डिस्प्ले ना लगाने से भी हो जाएगा। तो डिस्प्ले पे अगर हम लोग ऑपरेटिंग ऑन करेंगे तो डिस्प्ले लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग मॉनिटर पर ऑन करेंगे इसको। तो करने के बाद देखिए रेस्पिरी का अपना खुद का सॉफ्टवेयर आ गया है। तो इसमें आने के बाद हम लोग सिर्फ एग्जिट लिखना है। लिखने के बाद इसका विंडोज खोलेगा। खोलने के बाद ये ऑटोमेटिकली लोडिंग लेके ये सॉफ्टवेयर ओपन कर देगा। तो अभी देखिए ये ओपन हो गया है। तो रेस्पिरी का अपना खुद का सॉफ्टवेयर इसमें आ गया है। तो हम लोग इस पर ऑपरेटिंग कर सकते हैं, कोई भी काज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग डिस्प्ले, छोटा डिस्प्ले पे हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे। ये जो डिस्प्ले है इसको हम लोग छोटा डिस्प्ले पे ट्रांसफर करने के लिए LCD पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3.5 जो है ये कोडिंग हम लोगों को कॉपी करना है। तो ये कोडिंग आप लोगों को मिल जाएगा नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो इसको कॉपी करने के बाद इस पर जाएंगे। तो डॉस मोड पे जाके हम लोगों को इस पर सिर्फ पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली इस पर आ जाएगा, छोटा डिस्प्ले पे ऑटोमेटिकली दिखाई देगा और ये रन करेगा छोटा डिस्प्ले पे। तो जितने बार आप इसके बाद ओपन करेंगे तो छोटा डिस्प्ले पे आ जाएगा, ठीक है, और जो मॉनिटर है उस पर नहीं आएगा। तो अभी हम लोग इस पर आसानी से काम कर सकते हैं, माउस से काम कर सकते हैं, टच स्क्रीन से भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करके कोई भी काम कर सकते हैं आसानी से। तो अभी हम लोग जो कि बड़ा डिस्प्ले पे हम लोग लाएंगे इसको। तो बड़ा डिस्प्ले पे लाने के लिए LCD पे फिर से क्लिक करेंगे। करने के बाद जो कोडिंग है, एक कोडिंग है 3.5 और एक कोडिंग है जो मॉनिटर को ओपन करेंगे, इस प्रोग्रामिंग को कॉपी करेंगे। करने के बाद ये जो प्रोग्रामिंग है इसको हम लोग डॉस मोड पे सेम टू सेम पेस्ट कर देंगे। पहले जो पेस्ट किया था सेम टू सेम पेस्ट करके डालने के बाद ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम ले लेगा और आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा, मतलब मॉनिटर पे आ जाएगा। तो अभी इस पर हमने रेस्पिरी का जो अपना खुद का सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाया है। तो अभी हम लोग इस पर विंडोज 10 इंस्टॉल करेंगे, करके इस पर ऑन करेंगे और वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इस पर विंडोज 10 इंस्टॉल करके आपको दिखा दें। तो अभी विंडोज 10 इंस्टॉल करने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका नाम है वाव डेवलपर। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद तो देखिए इस फोल्डर को ओपन करने के बाद नीचे आइएगा। आने के बाद इस पर जो प्रोग्राम है इसको हम लोग रन करेंगे। तो राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर करके क्लिक करना होगा। करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो होने के बाद सेम प्रोसेस से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस मेमोरी कार्ड को हम लोग लगाना पड़ेगा और इस पर आ जाएगा मेमोरी कार्ड। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, मेमोरी कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद इस पर जो ब्राउज है इस पर हम लोग विंडोज 10 का जो प्रोग्राम है उसको डालना पड़ेगा। ये प्रोग्राम सब कुछ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करके हम लोगों को सिर्फ इसको क्लिक करना है। करने के बाद ओपन करेंगे तो इस पर आ जाएगा। आने के बाद हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। करने के बाद डिप्लॉय पे क्लिक करना पड़ेगा। करने के बाद ओके। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। तो करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये इस पर इंस्टॉल हो जाएगा। होने के बाद ये जो मेमोरी कार्ड है इसको हम लोग खोलेंगे। तो ये इंस्टॉल अभी इसमें जल्दी हो रहा है, आपके मेमोरी कार्ड के हिसाब से ये इंस्टॉल होगा। तो इसको लगाने के बाद ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा और आप आसानी से डिस्प्ले पे काम कर सकते हैं, मॉनिटर पे भी काम कर सकते हैं और छोटा डिस्प्ले भी आप आसानी से काम कर सकते हैं। इस प्रकार से ये काम करते हैं। तो वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।